रुक करते हैं मुंबई का, जहां हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मेहर शाह 3 दिन बाद गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन सवाल है कि गिरफ्तारी में 3 दिन क्यों लगे, वो भी तब जब आरोपी के पिता मुख्यमंत्री की पार्टी से जुड़ा है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मेहर को 3 दिनों तक भगाने छिपाने में उसके परिवार वाले ही लगे थे। पिता राजेश शाह ने मेहर को भागने को कहा, मेहर की गर्लफ्रेंड ने सबसे पहले छिपाया, फिर एक रिजॉर्ट से दूसरे रिजॉर्ट तक छिपाने में मेहर की बहन, उसकी माँ, उसका दोस्त, ये सब लगे रहे। अब सवाल है कि क्या जानबूझकर मेहर को पुलिस से दूर रखा गया ताकि ये पता ना चल सके कि वो नशे में था या नहीं। 3 दिन बाद देखिए गिरफ्तारी हुई है मेहर की, और इसीलिए कई अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार 3 दिन का वक्त कैसे लगा। लेकिन जैसा बता रही हूं कि पहले गर्लफ्रेंड ने छिपाया, फिर माँ और बहन, यानी परिवार पूरा मदद करता रहा। हालांकि आज कोर्ट के सामने पेशी भी होनी है, 3 दिन बाद गिरफ्तार हुआ, कोर्ट में पेशी है, परिवार ने ही छिपाया, पिता का ही हाथ बताया जा रहा है, ताकि ये शायद स्ट्रैटेजी या रणनीति रही होगी कि उसने शराब पी या नहीं पी ये पता ना चल पाए। वो क्या बड़ा आदमी है, वो ऐसे 20 आदमी खरीद सकता है, पूरा ये खरीद सकता है वो पूरा। हम लोग के पीछे कौन है, कभी आया देवेंद्र फडणवीस बोलने के लिए आया इधर कि क्या हो गया है, कभी एकनाथ शिंदे आया घर पे कि इसका ऐसा कैसे हो गया, इसके पीछे क्या है, अजित पवार आया, तुम लोग कुर्सी के लालच में है ना, सब अंधे हो गए, अंधे कुर्सी के लालच में, तुम्हारे लिए कुर्सी सब है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक के लिए सिर्फ तुम लोग वोट की भीख मांगने के लिए आते, बाद में पब्लिक को भूल जाते सब लोग, पब्लिक है ना, कचरा है कचरा, तुम्हारे लिए कूड़ा रहता है ना, कूड़ा है कचरा है, सिर्फ बोलते हैं हम लोग गरीबों के लिए करते, गरीबों के लिए करते, क्या क्या किया तुम लोग गरीबों के लिए। आई वॉन्ट हिम दैट ही शुड गेट, वी शुड गेट जस्टिस, माय मदर शुड गेट जस्टिस, आई वॉन्ट हिम टू गेट दिस हैंगिंग, लाइक शी इज इन रियली बैड पेन, उसको बहुत लगा है। I saw her with my eye. The hospital, I saw her. She's in really bad pain. I want her justice. जो पकड़ा गया है मेहर शाह, उसको कम ज्यादा से ज्यादा फांसी से भी ज्यादा उसको सजा होना चाहिए, बस लड़की को न्याय मिलेगा। मुझे उसे कुछ नहीं मांगते, नहीं फांसी से उसका वैसा मेरे लड़की के साथ हुआ है वैसा ही हुआ। सौरभ वक्तानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और जानकारी के साथ। सौरभ, अब इसके पीछे की क्या इनकी रणनीति दिखती है, क्योंकि एक ना एक दिन तो मेहर पकड़े जाना ही था, लेकिन उसको इतने दिन छिपा कर रखना क्या इसीलिए कि ये ना पता चल पाए कि उसने शराब पी थी या नहीं पी थी। जी बिल्कुल, यही वजह है। सबसे पहले तो देखिए, आरोपी हादसे के बाद यही जो मेरे ठीक पीछे जो एक्सप्रेस हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मुंबई का, यहीं से वो फरार हुआ है। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बता दूं कि तमाम सीसीटीवी फुटेज यहां पर, सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, लेकिन मिहिर शाह को पुलिस 3 दिन तक पकड़ नहीं सकी। अब इसमें होता ये है कि अगर आरोपी ने ड्रंक एंड ड्राइविंग किया रहता है और फिर ऐसी कोई क्राइम किया रहता है तो उसकी सजा बहुत ही कड़ी रहती है, उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। लेकिन मिहिर शाह और उसके माता पिता और उसका पूरा परिवार जो उसका साथ दे रहा था, वो जानते थे कि अगर हम मिहिर को 3 दिन तक लगातार छुपा के रखे और फिर अरेस्ट हो तो उसके ब्लड टेस्ट में अल्कोहल नहीं आएगा और यही होने वाला है। बहुत कम चांसेस है, आपको बता दें कि मेडिकल जांच तब हो तब मिहिर शाह के मेडिकल टेस्ट में अल्कोहल आए। देखिए, हादसे के 3 दिन बाद मिहिर शाह बिरार से गिरफ्तार होता है, अब जब मेडिकल टेस्ट होगा तो जब उसमें अल्कोहल कंजम्पशन नहीं आएगा तो सजा जो कड़ी सजा होती है वो कम हो जाती है। और यही पूरी प्लानिंग उसके पूरे परिवार ने मिलके की, यही जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है यहाँ पर मिहिर शाह एक्सीडेंट के बाद आता है, यहाँ से वो कांदीवली जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुकता है और फिर वो शाहपुर और शाहपुर से विरार जाता है। तो बहुत बड़ी साजिश है, कोई बड़ा शख्स इसके पीछे है जो इस परिवार को पूरी तरीके से गाइड कर रहा था किस तरीके से छुपे रहना है, पुलिस से दूर रहना है, ब्लड टेस्ट ना हो, मेडिकल टेस्ट ना हो और आखिरकार जब 3 दिन बाद अरेस्ट हो तो कुछ भी ना आए। अब पुलिस का ये कहना है कि उनके पास प्रूफ है, सीसीटीवी फुटेज है उस पब के, उस बार के, जहां पे मिहिर शाह ने अल्कोहल कंज्यूम किया था, उसने दारू पी थी, लेकिन वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा या नहीं ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारी दलीलें दी जाएगी
कि अगर सीसीटीवी फुटेज में आपको दिख रहा है उसमें अल्कोहल है कि नहीं, ड्रग्स की भी बात अब पुलिस कर रही है, और साथ ही जो होटल का बिल आया था, बिल में अगर जो अल्कोहल लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो मीर शाह ने लिया है, तो कई ऐसी तमाम दलीलें कोर्ट में जरूर होगी। लेकिन बहरहाल 3 दिन बाद अब आखिरकार मिहिर शाह को अरेस्ट किया है, उनके पूरे परिवार को फिलहाल पुलिस ने डिटेन करके रखा है, उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। एक और बड़ी क्वेश्चनेबल बात थी कि कल गिरफ्तारी के बाद आरोपी मिहिर शाह को वर्ली पुलिस स्टेशन नहीं लाया गया, उसे कोई अज्ञात जगह पर पुलिस ने खुफिया तरीके से पूछताछ की है। आज शिवडी कोर्ट में मिहिर शाह को प्रोड्यूस किया जाएगा, पुलिस कस्टडी की बात मांग रखी जाएगी, लेकिन अहम सवाल यही रहेगा कि अल्कोहल कंजम्पशन को पुलिस प्रूव कैसे करेगी। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर अब जमकर सियासत भी हो रही है, चाहती है कि ऐसे ही अमीरों के बच्चों के माध्यम से आम लोगों को कुचलाया जाए और सरकार उनको पूरी तरह हिफाजत में रखे ऐसे आरोपियों को, और इसलिए हिट एंड रन के आरोपी महाराष्ट्र में ऐसे ही घूम रहे हैं। ये तो यहाँ तक तो ये आम आदमी को है। अभी कल आपने देखा होगा कि एक्साइज विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी हमला कर दिया, उसमें भी 2 अधिकारी एक्सपायर्ड हो गए। परसों पुणे में भी आपने देखा होगा कि एक वाहतुक पुलिस अधिकारी के ऊपर भी पेट्रोल छिड़का गया। तो महाराष्ट्र की स्थिति कानून कैसी बिगड़ी हुई है यह हम सब लोग देख रहे हैं। हिट एंड रन में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो कितना भी इन्फ्लुएंस वाला हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, पैसे वाला हो, ये गरीब की जान होती है, और इसलिए वो भी किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, और इसलिए कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो मैंने पुलिस कमिश्नर जी को भी कल कहा है कि हिट एंड रन में जितने भी होटल है, ये होटल जितने देरी से रात को बंद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो, लाइसेंस रद्द करो। इंसानियत, धर्म, कुछ नाम की चीज ही नहीं बची है। तो वो औरत भी बच जाती, वो खुद भी बच जाता, एक छोटा सा केस होता है, मौत के इतना बड़ा कुछ नहीं होता ना। आप एक घर पूरा फोड़ दिया आपने उसका। मेहनत करने वाले लोग थे, मच्छी बेचने के लिए मच्छी ला रहे थे, जरा भी संवेदनशीलता नहीं बची अपने में। हाई प्रोफाइल मामले में हाँ, हमारा बाप है भाई, हम क्यों डरे किससे। देयर इज एन एंटाइटलमेंट, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर नीड्स टू बी अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस when somebody loses life in drunken cases of driving. I hope we've learned from Pune and Mumbai, because this is the takeaway in the days to come. There has to be fear of law, there will be justice, and there will be natural justice with no political insulation.